मॉन्स्टर वर्स में वॉइड गिद्दोरा को न सिर्फ सबसे ताकतवर बल्कि इसे डिस्ट्रक्टिव गॉड यानी विध्वंसक देवता या एक ऐसा गॉड माना जाता है जिसकी न तो उत्पत्ति का ही किसी को ज्ञान है और न ही इसकी अंत संभावित है, बल्कि अंत का कारक ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके पूरे ग्रहों का अंत करने के लिए जाना जाता है। इसलिए पूरे मॉन्स्टर के ब्रह्मांड में दूसरा कोई ऐसा काइजू नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। पर काल्पनिक दुनिया के इस सफर में लोगों के मन में एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई है जिसे वॉइड के दोहरा के लिए भी काल माना जाता है। तो आज के इस सफर में हम जानेंगे कि क्या वॉइड गिद्दोरा को फाइनली अपना कॉम्पिटिटर मिल चुका है या इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम बात कर रहे हैं कंपोजिट गॉडजिला यानी एक ऐसे काल्पनिक गॉडजिला की जो सभी गॉडजिला के शक्तियों से तैयार हुआ है। तो क्या कंपोजिट गॉडजिला के सर मॉन्स्टर के गॉड बनने का खिताब हो पाता है या सुनहरी मौत की आगोश में ये भी अपना अंत देखता है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। पहले बात करते हैं वॉइड गिद्दोरा की। तो इसे कई नामों जैसे कि एनीगोजी, गॉड ऑफ वॉइड, हायर डायमेंशनल मॉन्स्टर, सुनहरी मौत या गोल्डन नथिंग जैसे नामों से जाना जाता है। वैसे तो इसके उत्पत्ति के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, पर इसकी पूरी काया किसी भौतिक शरीर का रूप न होकर शुद्ध ऊर्जा से बना एक आकार है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी स्पीसीज माना जाता है। जो हमें पता चलती है साल 2018 में आई गॉडजिला प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर के एनिमेशन में, पर अभी तक इसके पूरे शरीर को किसी भी एनिमे में नहीं दिखाया गया, इसलिए इसकी उत्पत्ति के साथ इसका आकार भी एक रहस्य का विषय बना है। पर गर्दन से सिर तक की इसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर तक बताई जाती है और इस हिसाब से इसकी अनुमानित लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक हो सकती है। वॉइड गिद्दोरा दूसरे डायमेंशन में रहते हुए भी किसी और डायमेंशन में जाकर तबाही मचा सकता है और शायद यही इसका काम भी है, चारों तरफ तबाही मचाना, पूरे प्लैनेट्स का अंत करना ताकि मॉन्स्टर वर्स में शांति बनी रहे। पर शांति के लिए पूरे प्लैनेट का ही अंत करना ये इसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। पर गॉडजिला अर्थ के प्लैनेट को खत्म करने के दौरान गॉडजिला अर्थ से इसे अच्छी खासी विरोध देखने को मिलती है और वो प्लैनेट को नष्ट नहीं कर पाता और इस घटना के बाद से वो गॉडजिला अर्थ को अपना दुश्मन मान लेता है। हालांकि उस एनिमे में हम देखते हैं कि गॉडजिला अर्थ वॉइड गिद्दोरा को हरा कर उसके पोर्टल को भी नष्ट कर देता है, पर वास्तविकता में गॉडजिला ने तो वॉइड गिद्दोरा के एक छोटे से ऊर्जा से ही लड़ाई करी थी, क्योंकि इसकी अपार शक्तियों के आगे गॉडजिला अर्थ मानो कुछ भी नहीं है। पर मिश्रित गॉडजिला यानी कंपोजिट गॉडजिला एक विशेष प्रकार की कल्पना है। इस कल्पना के पीछे साल 1955 से 1975 का सोवा एरा का गॉडजिला, साल 1984 से 1995 का हैसे गॉडजिला, मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला, फाइनल वॉर्स का गॉडजिला, गॉडजिला अर्थ मांगा सीरीज का गॉडजिला, गॉडजिला इन हेल का गॉडजिला, रेज अक्रॉस टाइम का गॉडजिला और बाकी सभी गॉडजिला की शक्तियां और खूबियां शामिल है। और इतनी शक्तियों की वजह से ये इस लायक का गॉडजिला बनता है जो वॉइड गिद्दोरा की ही तरह पूरे प्लैनेट्स का पलभर में ही सफाया कर दे। ये गॉडजिला भी वॉइड गिद्दोरा की भांति अमर है। इसमें भी ऐसी कई खूबियां पाई जाती है जो इसे एक नॉर्मल मॉन्स्टर से और मॉन्स्टर वर्स के पूरे डायमेंशन से अलग बनाती है, इसलिए इन दोनों की बैटल को फेयर माना जा सकता है। पर आइए जानते हैं दोनों के शक्तियों को ताकि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकें। बात करें वॉइड गिद्दोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इस गिद्दोरा के पास है इलेक्ट्रिक एमिशन की एबिलिटी, यानी ये गिद्दोरा अपने शरीर से पावरफुल थंडरबोल्ट शूट करके टारगेट को तुरंत नष्ट कर सकता है। ये अपने विशाल पंखों से बिजलियों की इतनी बौछार कर सकता है जिसके संपर्क में आए चीजों की राख भी नहीं मिल सकती। वॉइड गिद्दोरा एक अमर मॉन्स्टर है, जिस बात का प्रमाण हमें तब देखने को मिला जब वॉइड गिद्दोरा के वश में आ चुका मेटाफिस का कनेक्शन गिद्दोरा से टूटता है, तो वो अपने आखिरी शब्दों में ये कहता है कि वो फिर से आएगा और तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यानी गॉडजिला अर्थ के पावरफुल अटैक्स ने भी उसे नहीं मार पाया, इसलिए वॉइड गिद्दोरा एक अमर ऊर्जा है। वॉइड गिद्दोरा को जब समन कर बुलाया जाता है तब ये उस ग्रह पर अपनी ऊर्जा के छोटे से प्रतिरूप को भेज देता है, जैसा कि हमें गॉडजिला द प्लैनेट ईटर में दिखाया गया था।
जब मेटाफिस एक क्रिस्टल के जरिए वॉइड गिद्दोरा का आवाहन करता है, तब हमें वहां सुनहरी मौत की परछाई दिखाई देती है। साथ ही उस क्रिस्टल में से वॉइड गिद्दोरा के आवाज भी सुनने को मिलते हैं। पर जब ये धरती पर आता है, तब मेटाफिस उसे भेंट के रूप में अपने लोगों की बलि चढ़वा देता है और दूसरी बार आवाहन करके गॉडज़िला अर्थ को मारने की प्रार्थना करता है, जिस वजह से वह अपने स्पेस टाइम डिस्टोरेशन की एबिलिटी से वो पोर्टल क्रिएट करके गॉडज़िला को मारने वहां पहुंच जाता है। गॉडज़िला जब इस अजनबी पर हमला करता है, तब गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ इसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि अपनी इंटेंजिबिलिटी की क्षमता से वॉइड गिद्दोरा पर किसी भी हमले का प्रभाव नहीं होता, पर ये चाहे तो कुछ भी कर सकता था। इसलिए अपने एनर्जी बाइट से वो गॉडज़िला को काट कर उसे कमजोर बनाता है, पर हार्वो मेटाफिस को मारकर वॉइड गिद्दोरा से उसका कनेक्शन तोड़ देता है, जिस वजह से गिद्दोरा अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाता है और गॉडज़िला अर्थ उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ से मारकर इस दुनिया से दूर भेज देता है। वॉइड गिद्दोरा अपने सुपर ग्रेविटी की मदद से धरती पर मौजूद चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है और उसे पल भर में ही तबाह कर सकता है, जैसा कि उसने स्टारशिप के साथ किया था। इसकी डार्क एनर्जी को यूज करने की क्षमता इसे अपनी परछाई मात्र से ही दूसरों को मारने की एबिलिटी प्रदान करती है। वहीं बात करें कंपोजिट गॉडज़िला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कंपोजिट गॉडज़िला फिजिकली इतना शक्तिशाली होगा जिसके सामने कंपोजिट गोकू भी पल भर के लिए टिक ना पाए। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की शक्तियां इतनी विविध होगी जो आवश्यकता के अनुसार अपने बीम को छोड़ पाएगा, चाहे वो मॉन्स्टर वर्स के गॉडज़िला की तरह एटॉमिक ब्रीथ को छोड़कर गहरी खाई बनाना हो, या गॉडज़िला अर्थ की तरह अपनी एटॉमिक ब्रीथ से एस्ट्रॉइड को नष्ट करना हो। ये सीन गॉडज़िला की तरह गुलाबी लेजर की तरह एटॉमिक बीम को छोड़ सकता है, या फिर सिंगुलर पॉइंट के गॉडज़िला के भांति गोलाकार एटॉमिक ब्रीथ से हमला कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि यह सभी गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ से बना एक शक्तिशाली एटॉमिक ब्रीथ को शूट कर सकता है, जो स्पेस गॉडज़िला की कोरोना बीम की तरह कंट्रोल्ड और मल्टी डायरेक्शनल हो। तो यकीन मानिए, ऐसे एटॉमिक ब्रीथ की शक्ति से पूरे प्लेनेट को नष्ट होने में चंद वक्त का ही समय लगेगा। वहीं इसके हीट स्पाइरल रे की बात ही क्या होगी, ये सीन गॉडज़िला की तरह अपने पूरे शरीर से लेजर छोड़ सकता होगा और अपने पूंछ से काफी शक्तिशाली बीम को प्रोजेक्ट कर सकता होगा। लेकिन जब बात करें कंपोजिट गॉडज़िला के न्यूक्लियर पल्स की, तो इसकी इंटेंसिटी से पूरा स्टार सिस्टम ही कांप उठेगा। ये गॉडज़िला इतना ड्यूरेबल होगा जिस पर न सिर्फ इंसानों के हथियार काम आएंगे, बल्कि इसकी साइकिक रेसिस्टेंस के कारण इस पर कई शक्तिशाली मॉन्स्टर के टेलीपैथी या कोई मैजिकल पावर भी काम नहीं आएंगे। इसलिए वॉइड गिद्दोरा की सुपर ग्रेविटी भी इसके सामने बेकार हो जाएगी। इस गॉडज़िला की ड्यूरेबिलिटी इस हद तक होगी जिस पर यदि पूरा प्लेनेट फेंक कर भी मार दिया जाए तो इसे कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि पूरा प्लेनेट ही नष्ट हो जाएगा। स्पेस गॉडज़िला की ही तरह ये बिना ऑक्सीजन के कहीं भी जी सकता है, प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उड़ सकता है और अपने आसपास मौजूद चीजों को रडार सेंसिंग की तरह डिटेक्ट कर सकता है। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक शील्ड बना सकता है जिससे होकर कोई हथियार पार नहीं होगा, और ये गॉडज़िला भी दूसरे के ऊर्जा को सोख सकेगा। बात करें इसके कमजोरी की, तो इसकी कोई कमजोरी नहीं है, साथ ही इसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल की होगी। ऐसे में जब कभी कंपोजिट गॉडज़िला और वॉइड गिद्दोरा आपस में भिड़ेंगे, तो गॉडज़िला की साइकिक रेसिस्टेंस इसे वॉइड गिद्दोरा के कई हमलों से बचा लेगी, और चूंकि ये गॉडज़िला इंसानों की तरह अकलमंद होगा, इसलिए अगर ये किसी तरह ये समझ गया कि इसके कनेक्शन को यदि तोड़ दिया जाए तो वॉइड गिद्दोरा के फिजिकल फॉर्म से लड़ना काफी आसान हो जाएगा, पर यदि यह वॉइड गिद्दोरा के कनेक्शन को नहीं तोड़ पाएगा तो दोनों के मुकाबले में तो वॉइड गिद्दोरा कंपोजिट गॉडज़िला पर भारी पड़ता नजर आएगा। पर यह बात तो तय है कि दोनों के युद्ध में दोनों में किसी की भी मौत नहीं होगी, क्योंकि दोनों की ही शक्तियां लगभग बराबर है, दोनों ही मॉन्स्टर जगत के गॉड कहलाने के लायक है। हालांकि कंपोजिट गिद्दोरा की बात अलग होगी। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।